हेलो दोस्तों, आज हम आपको मूसली सिया के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं ये मूसली सिया है। मैं आपको बता दूं कि ये दो किस्म की होती है, दो टाइप की होती है, एक मूसली सफ़ेद और एक मूसली सिया। दोनों के लगभग तकरीबन एक जैसे ही फ़ायदे होते हैं। आज हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि इसका नाम क्या क्या है, कौन कौन सी ज़बान में इसका क्या क्या नाम है, क्या इसके फंक्शन हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे पैदा की जाती है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कौन कौन सी दवाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ में इसकी डोज या मिकदार खुराक, ये सारी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम जो नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहले आसानी से पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़, यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काजियान, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश से। अब हम बात करेंगे मूसली सिया की। देखिए दोस्तों, फारसी में इसको मूसली सफ़ेद या मूसली सिया बोलते हैं। एक ही बात है, दोनों लगभग फंक्शन दोनों के एक होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क इतना है कि ये काले कलर की है और वो सफ़ेद होती है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी फंक्शन एक ही है। गुजराती में इसको धूली मूसली बोलते हैं, संस्कृत में इसको श्वेत मूसली बोलते हैं और फारसी में इसको मूसली सिया कहते हैं। ये तो इसके नामों की बात हुई। उसके बाद में अगर अब हम बात करें कि ये क्या है, तो देखिए दोस्तों, ये एक नबात की जड़ है, यानी कि एक पौधे की जड़ होती है जो 2 इंच से तकरीबन 5 इंच तक लंबी हो सकती है। इसको काट करके अलग अलग रखा जाता है। ये देखिएगा आप, ये कटी हुई है, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं इसके, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अब अगर आगे की हम बात करें तो जो टुकड़े जो हैं इसी को दवा में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बता दूं, तो पहले ये बता दूं कि इसका जो जायका जो होता है वो दोस्तों लुआब की तरह होता है, जैसे जो थूक जो होता है, जैसे थूक का जो जायका होता है वो होता है, ना तो ये कड़वा होती है, ना मीठी होती है, ना खट्टी होती है, थूक के जैसा इसका जायका होता है, चबाने पे महसूस किया जा सकता है। उसके बाद अब बात करेंगे दोस्तों हम मिजाज की। तो मिजाज से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर से जो ये ब्लैक कलर की देखने में काले कलर की दिखती है, लेकिन बीच में ये खाकसरी यानी ब्राउन रंग की होती है, आप देख ही रहे हैं बार बार अच्छे से। अब हम बात करेंगे इसके मिजाज की। तो मिजाज की बात करें दोस्तों, तो ये है गर्म खुश्क, गर्म खुश्क मिजाज में। अफ़ाल की बात करें तो दोस्तों, मुकव्वी बा और मुगल्लिज़ मनी है, मुअल्लिदे मनी और मुगल्लिज़ मनी। अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। मुकव्वी बा का मतलब होता है सेक्शुअल पावर को बढ़ाने वाली दवा है, मुअल्लिदे मनी का मतलब होता है मनी को पैदा करने वाली दवा, और मुगल्लिज़ मनी का मतलब होता है मनी को गाढ़ा करने वाली दवा। तो ये तीनों तरह के परेशानियों में, या जिन लोगों की सेक्सुअल पावर कम है, मनी पतली है और कम है, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। अब हम कैसे इस्तेमाल कराएंगे, तो देखिए, मूसली को हम पीस लेंगे, जितनी भी मूसली लें अपने ज़रूरत के मुताबिक, तो उतने ही वज़न की शक्कर ले लें, दोनों को एक साथ पीस लें, और इसको मर्दाना कुव्वत बढ़ाने के लिए या फिर मनी को बढ़ाने के लिए या मनी को गाढ़ा करने के लिए हम 5 ग्राम से 7 ग्राम दूध के साथ मिला करके लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, 5 ग्राम से 7 ग्राम के दरमियान ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। और दोस्तों, जिन लोगों में जिरियान की शिकायत रहती है, धात की शिकायत रहती है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें तो धात की शिकायत भी दूर हो जाती है। उसके बाद में एक बात और बता दूँ कि अगर ये मूसली सिया ना मिले तो इसकी जगह मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के लगभग एक जैसे ही फ़ायदे हैं, एक जैसे ही फंक्शन हैं। जो तरीका मैंने बताया उसी तरह से इस्तेमाल करें। एक और बात बता दूं कि इसका जो इस्तेमाल है वो सफ़ूफ या पाउडर के रूप में ही किया जाता है, और ज़्यादातर माजून में, जैसे माजून मुकव्वी रहम है, हब्बे असगंध है, इसमें इसका सफ़ूफ या पाउडर मिलाया जाता है और उसको बाकायदा दवाएं बनाई जाती हैं। वो दवाएं जो मर्दाना कुव्वत को बढ़ाती हैं, या फीमेल्स में ल्यूकेरिया की परेशानी को दूर करती हैं, या मेल में जिरियान की परेशानी को दूर करती हैं, तो उन सब दवाओं में मूसली का इस्तेमाल किया जाता है। डोज में बता ही चुका हूँ इसकी, 5 से 7 ग्राम, बीच में उसमें आधी शक्कर भी होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें क्योंकि गर्म खुश्क मिजाज की है, अगर हम इसको ज़्यादा ले लेते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आप ये दवा इस्तेमाल करना चाहें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से या आप हमसे कांटेक्ट करने के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मिजाज का बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और किसी भी तरह के इसके अलग से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर हम एबनॉर्मली तौर पे यूज़ करें इसका, तब कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, शेयर करें अपने दोस्तों को और हमें भी बताएं कैसा आपको अच्छा लगा, कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपने इस्तेमाल किया तो इसके फ़ायदे बताएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हमारी और बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं पहले से, वो भी देखते रहें और कमेंट्स भी करते रहें, शेयर भी करें। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट्स भी कर दिया होगा, लाइक भी करेंगे और शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।